देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई बाढ़ के डर से लोग अभी पूरी तरह से उभरे भी नहीं हैं कि एक बार फिर से दोनों ही राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों ही राज्यों में 24 अगस्त को भारी से बहुत अति भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि बिना वजह से घर से बाहर ना निकलें। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी में इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अनुमान देहरादून में सच साबित होता दिखाई दिया, जहां चंद घंटे पहले बारिश की बूंदों ने पूरे शहर को भिगो दिया। लिहाजा जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए छाते और रेनकोट का इस्तेमाल करना पड़ा। 3 दिनों तक राज्य में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश किया गया है, जबकि हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा इस चेतावनी के बाद राज्य के इन जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हो या फिर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। देवभूमि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कमोबेश ऐसा ही अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में 24 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में। इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगे और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। इस साल मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश को बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते जान और माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अभी भी राज्य में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। जगह जगह सरकारी एजेंसियां रास्तों को दुरुस्त करने के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई को बहाल करने में जुटी हुई हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जीवन पटरी पर लौट सके, मगर मौसम विभाग के इस नए अलर्ट के बाद राज्य के 8 जिलों में फिर से प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से अंकित शर्मा और शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे।